ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उधमपुर रियासी की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि रियासी रेंज में तैनात एक थानेदार ने इस समय माइनिंग को अपना पक्का धंधा बना लिया है। माइनिंग के धंधे को करवा कर खूब कमाई करने में लगा हुआ है। अपने चौकी अफसरों को भी उसने प्रेशर में रखा हुआ है जिससे कि उसके काम में किसी प्रकार का रोड़ा ना डाला जा सके। हालांकि वे अपने जिले के सबसे बड़े थाने में तैनात है, यहाँ पर बड़े अफसरों की भी नज़र होती है, लेकिन वह सभी से छिपकर माइनिंग माफिया की मदद करने में लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार ये इंस्पेक्टर इस समय जिले के सबसे बड़े थाने में तैनात है। उसके अधीन 4 चौकियाँ आती हैं। उसकी चौकियों के इलाकों में खूब माइनिंग होती है जिसका कंट्रोल उसने अपने पास रखा हुआ है। उसने माइनिंग माफिया से सीधी सेटिंग की हुई है। हालांकि उसके इलाके में भी माइनिंग होती है। उसने सभी प्रकार के माइनिंग माफियाओं से खुद ही सेटिंग रखी हुई है जिसमें चौकी अफसरों को प्रेशर करके काम करवाता है। अगर कोई चौकी अफसर माइनिंग के वाहनों को पकड़ लेता है तो उन्हें तुरंत छुड़वा देता है, जिसमें तर्क दिया जाता है कि काम आने वाले लोग हैं, ऐसे में उनके वाहनों को ना रोका जाए। ये इंस्पेक्टर अफसरों को चुगली करने का भी खूब काम करता है जिससे कि अफसरों को खुश रखता है, उन्हें जिले की जानकारी के बारे में अपडेट रखता है ताकि उसे वफादार समझा जाए। इस प्रकार से अपना काम करने में लगा हुआ है। उसकी चौकियों में नए अफसर लगे हुए हैं जिसका वह भरपूर फायदा ले रहा है। उसने माफिया से इस प्रकार की सेटिंग की हुई है कि हर माह मोटी कमाई करता है, कई बार वाहनों को पकड़ भी लेता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि अफसरों के सामने अपनी छवि को साफ रखा जा सके। ये अफसर दूसरी बार इस थाने में तैनात हुआ है। पिछली बार विवाद के कारण उसे इंचार्ज लगाया गया था, तब उसने इस थाने के हर प्रकार के काम को सीख लिया था। उसके बाद उसे दूसरे थाने में भेज दिया गया था। अब उसे फिर से इस थाने में पक्के थानेदार लगाया गया है जिसके बाद उसने सेटिंग करके काम को चलाना शुरू कर दिया है। उसने माइनिंग वालों को सिर्फ रात को ही काम करने के लिए कहा है ताकि अंधेरे में ज़्यादा लोगों को उसके धंधे के बारे में पता ना लग सके और वह आराम से अपने काम को कर सके। इस समय ये थानेदार मोटे स्तर पर माइनिंग के काम को ही करके कमाई करने में लगा हुआ है। इस वीडियो को देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगली खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। एक खड्डा भी साड़ा है, ये वाला भी ऐसा खड्डा था, ये वाला भी ऐसा खड्डा था, एक खड्डा भी ऐसा खड्डा, वो ढेर भी ऐसा खड्डा, ये अपने चौके है।